हमेशा छोटे बनेंगे, उसके जो विवेक को लेकर के और झुक करके भगवान की तरफ घुसता है तो वह अपने को भूल करके आता है और गणेश जी की तरह वो भगवान शिव की संतान बन करके आता है। फिर अंदर जब आप जाते ना तो फिर वहां पर शिव पंचायत मिलती है। क्या मिलती है बोलो? अब शिव पंचायत में शिव जी के परिवार के लोग बैठे हुए मिलते हैं। तो गणेश जी सबसे छोटे हैं लेकिन उन्होंने अपने परिवार में छोटे को सबसे बड़ा स्थान दिया। ये कितनी बड़ी विशेषता है, मतलब प्रथम पूज्य उनको बना दिया और उनके साथ में रिद्धि और सिद्धि की सिद्धियां जोड़ दी। और इतना ही नहीं, उनका वाहन भी उतना ही छोटा जीव उतरने वाला, क्या है भगवान गणेश का वाहन, मूसक चूहा। और अब इनके परिवार की व्यवस्था देखो कितनी गंभीर है। यदि शिव परिवार को लोग केवल आत्मसात कर ले तो अपने लौकिक परिवार को हम शिव परिवार जरूर बना सकते हैं। यदि शंकर जी के घर में जाओगे ना तो सब एक दूसरे के कट्टर जानी दुश्मनों के वाहनों पर वो बैठते हैं, लेकिन उनकी पार्किंग में जब उनकी गाड़ियां खड़ी रहती होगी तो कितने हिलमिल के रहते होंगे, क्योंकि वापस भी तो उनको देवलोक वापस ले जाना है देवताओं को। तो सबसे पहले गणेश जी का वाहन क्या है और शंकर जी के गले का वाहन क्या है, सांप और चूहे का, बोलो ना, 36 का आंकड़ा, मतलब एक दूसरे को देखते ही डरते हैं। चूहा डरता है और सांप खा जाता है, उसका भोजन है वो। लेकिन एक भगवान शंकर के और कमर के गले का वाहन है और एक भगवान गणेश का वाहन है। अभी दोनों कहीं पार्किंग में जाते होंगे तो फिर अपने वाहन छोड़ते तो होंगे, देखो क्या अपने अपने बिल में रहते वो। अगला आता है मोर, किसका वाहन है, और सर्प और मोर का, मोर किसको कहा जाता है, सांप को। अब वो भी पार्किंग में खड़े होते हैं कार्तिक भगवान का वाहन, लेकिन वो सर्प को नहीं कहता, वो कहता हमारे परिवार का वाहन है। शिव का वाहन क्या, नंदी, और देवी का वाहन क्या, शेर, शेर और बेल का, बोलो ना, 36 का आंकड़ा, क्योंकि बेल शेर को देखते ही थर्राने लग जाता और शेर बेल को देख के खुश हो जाता है कि चलो भोजन मिला। लेकिन जब ये पार्किंग में जाते हैं ना, सब देवता एक लाइन से खड़े रहते हैं, कोई किसी को सताता नहीं, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं रखता है, कोई किसी से उनको शिकार बनाने की भावना नहीं रखता है। बड़ा गंभीर विषय है ये। शिव पंचायत में पांच देवी देवताओं के जो वाहन आप देखते हैं, ये आपस में एक दूसरे के शिकार होकर के अपने यमपुर जा सकते हैं, लेकिन वो देवताओं के साथ विचरण करते हैं। अर्थात देवत्व को वर्ण करने के लिए विरोधाभास स्थितियों में भी प्रसन्न रहने का अभ्यास करना पड़ता है। यदि पति पत्नी के बीच में विरोधाभास है, बाप बेटे के बीच में, भाई भाई के बीच में, बहन बहन के बीच में, पिता पुत्र के बीच में है, बेटी और पिता की माँ के बीच में है, उसके बाद में भी अपने को शिव परिवार की तरफ देखना चाहिए, क्या हम इसके उपासक हैं। ऐसा क्या भाव आया ना तो हमारे अंदर का जो भी कुछ है, बहुत सारी चीजें रहती है, किसी को कुछ, किसी को कुछ दिमाग में बैठा हुआ रहता है। नहीं कुछ तो आदमी की कागज की डिग्री बैठ जाएगी, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं इतने पैसे वाली हूँ, मेरे इतने बड़े बाल है, मेरे इतना अच्छा रूप रंग है, मेरी इतनी अच्छी कद काटी है, मैं इतने बड़े घर का हूँ, इतने बड़े घर की हूँ, मैं इतनी लाई, इतना दिया, बहुत सारी चीजें, वो तो कहीं से भी आ जाएगा। तो उसके लिए भगवान शिव का दर्शन जो बताया ना शास्त्रों में, तो वो केवल पानी चढ़ाने के लिए, बेलपत्र चढ़ाने के लिए नहीं, सामाजिक जीवन में कहीं भी आप चले जाइए तो शिव की अर्चना पूरे विश्व में होती है। एक ही भगवान ऐसे है, भगवान महाकाल, भगवान शिव, जिनकी पूरे विश्व में अर्चना होती है। अभी आप लोगों को प्रकृति संतुलन का जो कार्यक्रम है, ये बड़ा ही मार्मिक कार्यक्रम है। एक व्यक्ति अपने जीवन में 7 पेड़ों की सांस लेता है और एक पेड़ को साथ लेकर के जलता है, बात ठीक भी है। जब हमारी अंत्येष्टि होगी तो कोई कुटुंब कबीले के लोग साथ नहीं आएंगे, लेकिन एक पेड़ का जीवन हमारे साथ जलने वाला है। जब एक पेड़ अपने को संविधा बन करके अंतिम सांस तक काम आता है और जीवन के हर क्षेत्र में उसकी गरिमा को कम नहीं आका जा सकता है। यदि आप जीते हैं
तो हवा पेड़ देगा, पीते हैं तो पानी पेड़ देगा। आपके प्रकृति के पराग कणों की फसलों का भोजन पेड़ों से मिलता है। बहुत सारी प्रजातियां लुप्त तो हो गई, जिसके कारण हमारी फसलों का गति चक्र असंतुलित हो रहा है, जिसमें आम का वृक्ष का मुख्य रोल बताया गया है। ये मधुमक्खियों के लिए, भौरों के लिए, हवा के लिए, ये पराग कणों को ले जा करके फसलों को उन्नत रखता है, किसान की समृद्धि बढ़ाता है। ऐसे समय में आप लोग आम के वृक्ष का रोपण करने जा रहे हैं। अब बताओ, आम के वृक्ष का विज्ञान, आम को देवी वृक्ष कहते हैं, यज्ञ संविधा का वृक्ष कहते हैं। किसी भी मांगलिक कार्य में आप जिसके पत्तों को तोरण बांधते हैं, कलश पे रखते हैं, बेटे का ब्याह करते हैं। देखिए, आजकल तो लोग भूल गए, लेकिन आम का मंडप होता था और मंडप में फिर ग्यारी बन करके यज्ञ हुआ करता था। अब तो फ्लावर साड़ियां लग जाती, गुब्बारे लग जाते हैं, और पता नहीं हाइड्रोजन की हवा उड़ जाती है और फेस उड़ जाता है केमिकल का, और डिस्को डांस हो जाता है और ब्याह हो जाता है, पता भी नहीं लगता है। सारी जिंदगी आदमी तमाशे में लग गया है, संस्कृति का जो प्राण था वो भूलता जा रहा है। तो ये जो आम का वृक्ष है ना, सरस्वती जयंती के दिन लोग इसके फूल ढूंढते हैं और इसके मुहूर्त तोड़ करके लाते हैं और अपने बच्चे के हाथ में दे करके उससे सरस्वती माता के चरणों में चढ़ा के पूजन करते, मतलब वो विद्या भी देता है, आम का वृक्ष समृद्धि भी देता है। लोग कहते हैं कि दीपावली के दिन आम का तोरण घर में बांधो और फिर आम के पाटले के ऊपर लक्ष्मी जी को आसन दे करके पूजन करो, तो लक्ष्मी जी का वास भी आम में बताया है। शिव की तरह वो जहर पीता है, लक्ष्मी की तरह समृद्धि देता है, सरस्वती की तरह ज्ञान देता है। और फलों का राजा कहा जिसको, फल तो सभी है और सभी अपनी जगह महत्व रखते हैं, लेकिन यदि आप औषधि द्रव्य गुण विज्ञान पढ़ो तो उसमें एक बात कहिए कि आम का फल पूर्ण आहार है। आम के फल में वो सारी पौष्टिकता मिलती है जो अन्य फलों के माध्यम से लेते हैं आप। इसका मतलब हुआ कि आज आप धरती माता की गोद में जो 51 आम के वृक्ष लगाएंगे, वो भी कैसे, जो अगले साल फूल आ जाएंगे, और हम चाहे तो इनमें फल भी लग सकते हैं और नेल भी लगते हैं, लेकिन 2 साल तक इसके फूलों को निकालेंगे, 3रे साल इसके ऊपर फल आ जाएंगे। तो ये अभी 3 वर्ष के हाइट का है ये, और इसको जब आप रोपित करेंगे तो आपसे बड़ा है, अभी वो बड़ा है। हम तो पहले ऐसा बोलते थे, अपनी छाव में पेड़ रहेगा, एक दिन आप पेड़ की छाव में जाओगे, लेकिन आप कहोगे हम महेश जयंती के दिन पेड़ की छाव में से हम आए हैं और उनकी छत्र छाया का स्वीकार लेकर के आए। हम स्वजाति बंधु, हम स्वजाति बंधु, सेवा त्याग सदाचार को, भगवान महेश की जयंती पर, नियमितता के रूप में, आत्मसात करते हैं। सेवा त्याग, सदाचार हमारे जीवन की, समाज संगठन की मूल संकल्प शक्ति को वर्ण करते हैं। सादर जय महेश, जय श्री कृष्णा। आज महेश नवमी के पावन पर्व के एक दिवस पूर्व हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया, मानद मंत्री शैजय जी झंवर के साथ 51 केशर आम के पौधे रोपित किए, और त्रिवेणी बड़, पीपल, नीम, ये सर जैसा ऐसा लगा हमें कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। गायत्री धाम में हमने यहाँ पवित्र भूमि पर जो वृक्षारोपण किया है, वो पंडित जी को जो हमारे गुरु जी हैं उसको यहाँ पर इतना अच्छा विकसित किया उन्होंने, और हमारी रोपित किए हुए पौधे बहुत अच्छे से फलीभूत होंगे, हमें ये विश्वास है। पौधे ऐसी जगह ही लगाना चाहिए जहाँ उसका पूरा लाभ उठा सके। हम भगवान महेश से ही प्रार्थना करती हूँ कि हम सब हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और हम हर्षोल्लास के साथ कल महेश नवमी का पर्व बहुत अच्छे धूमधाम से मनाएं। हमारे द्वारा आज पौधारोपण के लिए गायत्री मंदिर में हम लोग सभी एकत्रित हुए और पंडित जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ, पंडित मेवालाल जी साहब का, और साथ में दीदी लोगों का, भैया लोगों का, मैं उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। पंडित जी ने बहुत
संस्कृत मतलब क्या बोलना चाहिए, सांस्कृतिक और सिद्धांतिक रूप से हम सबको महिमा बताई और हमसे पूजा का विधि विधान से पूजा त्रिवेणी रोपण करवाया। केशर आम के हमने 51 पौधे माहेश्वरी समाज के द्वारा हमने रोपित किए हैं। सभी सेंधवा के माहेश्वरी समाज युवा महिला और प्रदेश सभा के साथी लोग यहाँ एकत्रित हुए, सभी को मैं आभार करता हूँ, विशेष रूप से पंडित जी का और भैया और बहनों का। मैं उनके प्रति भी बहुत विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज मतलब उनके द्वारा भी ये इसी तरह से महेश नवमी पर्व को हमेशा मनाते रहेंगे और हर्ष उल्लास से हम सब मिलकर इसी तरह से हम मनाते रहें, यही मेरी भावना है। और अगली बार हम उसको जिले के हर साल हम गायत्री मंदिर में आए, हम पंडित जी से ऐसा निवेदन करेंगे, इसी प्रकार हमसे वृक्षारोपण भी करवाते रहें और हम इस बार जिले का हम प्रोग्राम करने की इच्छा रखते हैं कि पूरे जिले भर के अपने माहेश्वरी बंधुओं को यहाँ एकत्रित करें और महेश नवमी के पूर्व एक रोज दिवस पूर्व ये कार्यक्रम का हम आयोजित करें, ऐसे हम पंडित जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। जय महेश। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।